To stop the film. Nothing less than that, nothing more than that. Clear cut. चार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देश के 40 मुख्यमंत्रियों को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बंद कर दें. सर, हैव यू स्पोकन टू? नो, नथिंग. इट इज थ्रू यू. सर, हैव यू स्पोकन टू एनीबडी इन द गवर्नमेंट? नो, नोबडी. नोबडी. नो, नो. द अदर थिंग, ये जो पूरा ये चल रहा है कि नाक काट देंगे, ये सब चल रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड क्या है? मतलब इस व्यू, जिस तरह की बातें हो रही है, Are you opposed to it? ये करवा कौन रहा है? ये शब्द कहां से आया कि हम नाक काट देंगे? ये शब्द उस पर आया, दीपिका जी ने कहा हर सूरत में फिल्म लग के रहेगी. अब देश के प्रधानमंत्री कह देते तो हम मान भी लेते, समझ में आती. उसी सर, इसलिए वो मजबूर हो गए. देखिए, मैंने कहा ना, मैंने मेरी जिंदगी में इस तरह के शब्द कभी काम नहीं लिए जितने अब तीखे बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि हमें प्रोवोक किया जा रहा है. नहीं, बट आप इस प्रोवोकेशन को जस्टिफाई? देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी चीज को. मैं न इनके पक्ष में हूं न इसके खिलाफ में. मैं तो ये चाहता हूं कि शब्दों पर नहीं, भावों पर जाएं. वो किस कारण से हो रहा है, किस कारण से ये स्थिति बन रही है, आक्रोश है, वो जोश में होश खो देने वाली स्थिति है. स्टॉप इट, उसको रोका जाए. सारा बेसिस रणवीर सिंह के स्टेटमेंट पे, जितना भी आपका पूरा, अब तो सब पर है. आपने फिल्म तो देखी नहीं भाई. देखिए, ये बिगिनिंग में टू स्टार्ट विद, दैट वाज द स्टेटमेंट जिसने अपसेट किया गया. ये क्या है, अलाउद्दीन और पद्मावती के बीच में प्रेम प्रसंग? लेकिन वो तो सरासर मना कर रहे हैं ना कि ऐसा कुछ है नहीं. कौन? और सबसे बड़ी चीज कोई मना नहीं कर रहा है. भंसाली का एक बयान आया है, सिर्फ एक भंसाली का बयान आया है. जिस दिन हमारे गांधीनगर में मीटिंग थी उसके 3 दिन पहले, शायद गुजरात के चुनाव के संदर्भ में आया होगा वो, और मुंह लटकाए से रोती सी सूरत. मैं पद्मावती का बहुत सम्मान करता हूँ. ये फिल्म की बात अलग है, लेकिन एक महिला के सम्मान के लिए दूसरी महिला का अपमान आपकी नजर में किस हद तक सही? देखिए, पद्मावती के सम्मान में आप सब महिलाएं उतर जाएं मैदान में. मैं तो यही बार बार यही कहता हूँ. तो एक तरीके से अपमान हुआ ना कि आप किसी एक जो मृत जो महिला है उसके सम्मान. आज भंसाली का अपमान किसने करा है? इसी तरह के बड़बोलेपन ने. सर, जो इस तरह की बकवास अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्होंने ही भंसाली की नाक काट डाली है. सर, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, सब अपनी. ये ज्यादा अभिव्यक्ति है, इतनी आजादी भी नहीं दी जानी चाहिए कि शब्दों से हमारी नाक को काटा जाए. अभी अगर मैं कह रहा हूँ ना, भंसाली की नाक किसने काटी है? इन बड़बोले शब्दों ने. सर, यदि अगर फिल्म आप देख लेते हैं पहले रिलीज होने से पहले, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद आप क्या कहेंगे? रिलीज हो सकती है उसके बाद? अब देखिए, अब ना तो कोई दिखा रहा है ना हम देख रहे हैं. जब कोई दिखाई नहीं रहा है, सवाल है तो इस सवाल का जवाब क्यों दिया जाए जो सवाल उठ ही नहीं रहा है? सर, हम देख लेंगे तब हम. अब लोग कहते हैं ना कि साहब आप नेतागिरी कर रहे हो. मैंने कहा हाँ, राष्ट्रपति बनना चाह रहा हूं. लेकिन जो एक सुरक्षा का माहौल उन किरदारों के लिए, जो सिर्फ एक कलाकार हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना? आपको लगता है ये गलत हुआ है उनके साथ? किन के साथ? जितने भी किरदार हैं फिल्म में निभाने वाले हैं, और उनको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं. लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये उनका सर काटने के ऊपर इतना इनाम होगा, तो इस पे इस बारे में जो आरक्षण सुरक्षा पैदा हुई, ये तो अभी बातें चल रही है. सिर काटने की काटा किसी ने नहीं है. सर, ये हमारे बुजुर्गों ने सिर कटाए भी है, खून से नदियां भी बहाई है, कालिक नहीं पोतने देंगे. सर, इसका इंतजार नहीं कर सकते ना कि सर कटा है नहीं कटा है, लेकिन जो कमेंट आ रहे हैं उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कमेंट आते रहते हैं, तरह तरह के कमेंट है. उन सब कमेंटों को मैं कहां उठा के लेकर, एक महिला के विरोध में कुछ चीजें बोली जा रही है, उसके आप कितने फेवर में और मैं कितने कह रहा हूं, 16,000 स्त्रियों के साथ में मर मिटने वाली के अपमान में जो कुछ भी बोला जा रहा है, उसमें आप साथ क्यों नहीं दे रही है? आप भी लगी है.